अच्छा हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक मैं ना वीडियो बनाने के मूड में तो था ऑबियसली मैं वीडियो बनाना भी चाह रहा था मैं वीडियो बनाने के पूरे अहतमाम में था लेकिन मैं ऐसे ही तफाकत यूट्यूब खोला और मुझे ना मतलब किस जमाने के साहब न कोई वीडियो लगाई है अरेबिक जबान में तो मैंने अभी आधा है उसको तो अभी इसको ना इकट्ठे सुनते पूरा एंड लेट्स सी हाउ इट गोल्स सिर्फ लाजमी क्यों अगर जबानों का फरुख देना ही लाजिम है या फिर कोई तरक्की के लिए आपने एक्स्ट्रा जबान पढ़ानी है तो बहुत सी <coughs> जबान कह दें कि एक फॉरन जबान कंपल्सरी होगी या अरबी बड़ी जरूरी है ओ नहीं यार नहीं ये एक सस्ती किस्म का है अगर दुर्रे कोड़े नई दलील की बात मानो तो रजा अरबानी ने वजह गलत दी है लेकिन बात ठीक की है मजहब और कल्चर दो मुख्तलिफ चीजें हैं और तब को फारे मक्का भी अरबी ही बोलते थे दुश्नाम तराजी भी अरबी में ही करते थे और वहां के यहूदियों ईसाइयों की आज भी वही जबान है आज भी आपका क्या ख्याल है वहां क्या बोला जाता है रह गई कुरान फहमी तो वो अरबी कोई सीख ही नहीं सकता कुरान पाक वाली अरबी ये सुनो गौर से रखते हैं पहले यहाँ पर रखते हैं अब बात ठीक है अंकल की कि ऑब्वियसली कुरान जो डिवाइज हिमत है अल्लाह तीन वर्ड है वो आप हर दफा पढ़ोगे हर दफा कुछ नया निकलेगा उसमें से और सो मुकम्मल कम्पलीट एबसोलूट समझ को भी सकता किसी की इसमें इतनी हिकमत नहीं है ठीक है ना किसी में इतनी विस्डम इंटलेक्ट या वॉलेज नहीं है तो ये बात ठीक है लेकिन ये एक तरीका है चोर ज्यादा करते हैं इसको कि भाई मैं जो है ना बताता तो इसका तरीका आपने बड़ा सुना होगा आप किसी को कहो यार ये जो तरीका है ना आपका ये दबी सलोसल की सुंदर थी वैसे करते थे अच्छा अच्छा नहीं देखो वो तो दबी थे ना तो आप दो कह, अच्छा चलो यार वो खुलफा राजदीन की सुंदर थी वैसे से करते थे वो तो खुल्फा राजे ना अच्छा भाई वो सहाबी की वो सहाबियों की थी सुंदर यार वो साबित है ना फिर आप ऐसा करते रहोगे तो वो जाते रहेगी यार वो वली थे ना फुका थे ना वो मेरे ताब्रे थे ना तो ये ये बड़ा पुराना बड़ा आज का नहीं है बड़ा पुराना चोर दरवाजा है ये एक कि जब आपने कुछ अमल नहीं करना होता तो आप बोला बस ऐसे वो तो अली थे ना वो तो नबी थे ना तो सुदत को फॉलो कर दिया क्यों का ऑब्वियसली नदी को ही पता था कि तुम मेरी मिसल नहीं हो ठीक है ना तुम मेरे जैसा नहीं हो सकते लेकिन एटलीस्ट ट्राई टू बी एज मच एज यू कैन ट्राई टू स्टैंड यू कैन ये क्या बनता क्या भाई तुम कुरान समझ नहीं सकते तो क्या मतलब पढ़ो ही ना देख इस तरह की गंदी लॉजिक से होता है मार्केट में बहुत बिक्री है आजकल एक और भी लॉजिक है ये कि पता नहीं कौन सा इकबाल का शेयर है मुझे इकबाल कहता है कि गिन गिन के ना पढ़ तस्वीर जिसने गुछ मफू है उसका तो भाई इस अगर ये शेयर है मुझे किसी का वैसे तो इकबाल लामा वाले का नहीं है ये काफी कोई मोहल्ले का बाल है उसका है लेकिन उसका भी शेयर तो उसका मकसद ये है कि भाई कि अल्लाह ताला आपको इतना देता है तो आप बेन गिनत पढ़ो आप पढ़ते रहो इतना पढ़ो आपको याद दे ही ना है कितना पढ़ा देना पढ़ो ही ना सिरे से तो ये भी वही मत तक है कि भाई वो वो तो वो है नो तो भाई ऑब्वियसली वो वो है तभी तो आप कहते हैं कि आप अभी से एफर्ट शुरू करो ताकि थोड़ा सा तक करीब आ जाओ थोड़ा सा तरीब आ जाओ खैर अब आगे देखते हैं और भी मैं फिर कह रहा हूं कि इस मुल्क में शायद कोई एक आध बंदा गुजराओ सीख ही नहीं सकता क्योंकि उसके लिए एक जिंदगी काफी नहीं उस अरबिक को जैसे उर्दू जुमा जुमा आठ दिन की पैदाइश मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है पांव को पानो कहते थे अच्छा मसलन यह कितने लोगों को पता है कि शहद में इसके लिए अस्सी शेर के लिए पांच सौ तलवार के लिए एक हजार और ऊंट के लिए पांच हजार सात सौ चवालीस जब आर्ग्यूमेंट नहीं मानना तो बस नहीं मानना ठीक है जब खिलाफ जाता है कुछ भी बोलते रहना और एक तो ऐसे ना लोग ये बासी बासी करते हैं तो अगला बारे तो अरबी तो सीख तो ही जा सकती कौन सा ऐसा है चैलेंज है उसको पाँच हज़ार इतने लफने सारे सारे आते हैं ऑन द स्पॉट बंद करके किताब सारे ऐसे पढ़ेगा कोई भी नहीं होगा चूंकि रेलिवेंट दो तीन ही होते हैं हर जमान में ला बशक हर कबीले में खत्े में ठीक है ना तबकात में फ़र्क लफ यूज हो कभी ना कभी अल्फाज यूज़ हो कभी ना कभी लेकिन एंड प्राइमरी और मेन और मेस्ट्री बेकार नहीं आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आप गूगल करोगे जमल को सॉरी कैमल को तो क्या आएगा जमल ठीक है आप बच्चों की किताबें पढ़ोगे कि ऊट के कहते हैं तो लिखाएगा जबल हाँ अगर फीमेल ऊट तो लगा उसके पीछे एक चीज लगा देंगे मेल है तो और लगा देंगे आगे पीछे चीज़ें शीज़ लगा जा सकते हैं क्या है? लब, जबल इसी तरीके से मुझे तुम्हें तो पता है पाँच हजार लफ्ज हैं ऊट के तो अच्छी बात है पाँच हज़ार पाँच लाख नहीं है क्यों क्योंकि डजेंट मैटर रेलिवेंट दो तीन ही होते हैं सिर्फ ठीक है ना और दो तीन एक होता है फुल वाला प्राइमरी और बेस्ट्रीम लेवल का बाकी एक दो जो है अरबी दालों के लिए थोड़े से और भी दो तीन दिखा सकते हो बस ये साहब को आपको कोई नहीं पता होंगे किताब से पढ़ तो ली चीज़ ठीक है कि पाँच हज़ार लफ्ज थे अरबी के लेकिन क्या करें पाँच हज़ार पाँच हजार याद करें जब कोई अरबी सीख रहा होता है ना स्पेशली कोई अजबी अरबी सीख रहा होता है तो वो सीखता किस लिए अपने टेक्स्ट के लिए ठीक है ना अपने सेक्रेड टेक्स्ट को समझने के लिए अपने इन्हेरिटेंस को समझने के लिए ठीक है ना अपने स्क्रिप्चर्स को समझने के लिए इसलिए समझता हूँ कि भाई मैं जो है ना पाँच साल अरबी के लफ्ज़ या ऊँट के लफ्ज़ याद करूँगा नहीं सीख सकता बच्चों को पढ़ाना है तो ये या कोई और लोगातुल कुरान पढ़ाओ ये पढ़ी है किसी मौलवी को बैठे मेरे साथ लोगात पढ़ाओ इस तरह के इल्मी फिक्री सवाल इस तरह के चालू प्रोग्रामों के लिए नहीं होते हमें तो सब्र सबाब शरिया अमीर खुमर सयाम ज़कात खिलाफत के मानी मालूम नहीं और हमें तो यहां पढ़ाया जाता है बिस्मिल्ला रहमान रहीम शुरू करता हूं साथ नाम और शुरू करता हूं कहां से आ गया यही पढ़ाएंगे उधर भी उधर भी पढ़ना को खाला जी का बाड़ा है पूरी जिंदगी दे दो मैंने क्या बताया आपको शहर के लिए अस्सी शेर के लिए पांच सौ तलवार के लिए एक हजार ऊंट के लिए पांच हजार सात सौ चवालीस होश करो टेक्नोलॉजी की जबान टेक्नोलॉजी जिससे मिले इल्म की तलाश में चीन तक जाने का हुक्म था वहां अरबी में पढ़ना था वो तो खुदा का खौफ करो अपनी नस्लों पर रहम करो मैंने अपने बच्चों को पहले उर्दू पहले अरबिक फिर उर्दू फिर अंग्रेजी फिर लुगाफ पढ़ाई वो अब तक पढ़ रहे हैं ये खाला जी का वाड़ा नहीं है जिनको अंग्रेजी डिक्शनरी नहीं है और चीन जाना आपने हसूल इल्म के लिए वहां अरबी पढ़नी है इट इज द नॉलेज इट इज द मैसेज जिंदगी सिर्फ अब साइंस और टेक्नोलॉजी अगर मेरे आका की उम्मत ने इज्जत रहना है तो साइंस और टेक्नोलॉजी वो जिस जुबान में है उधर जाओ या जिन जबानों में है उधर जाओ ये शार मुतार बना के एयरपोर्ट ये सऊदी अरेबिया की सड़कों पर क्या लिखा होता है मैं तो पता नहीं अट्ठाईस बार गया हूं शार मुतार क्या मुतार है एयरपोर्ट जहाज को क्या कह लिया ये इंडियन टीवी को दूरदर्शन वक्त दूरदर्शन जो जिनकी इजादात है खुदा का वास्ता अपनी नस्लें बचाओ उनकी एनर्जी उनका वक्त बचाओ उनके मां बाप का पैसा बचाओ हुजूर की उम्मत को ताकतवर बनाओ यह बहुत सती अप्रोच है जिसको शौक होगा पढ़ लेगा मैं अरबी बोलता हूं या पढ़ता हूं लुगात पढ़ पढ़ के मत मारी गई मैंने जितने लफ्ज बोले आप में से मुझे बताओ कोई चलो बड़े अरबी दान है ना बताओ मुझे सब्र का क्या मतलब है शरिया किसको कहते हैं बोलो मतलब बताओ नहीं पढ़ाओ बच्चों को क्यों पढ़ाओ वो अरब उधर आगे जा रहे हैं फिर उनके पल्ले कुछ नहीं ये जहीन लोगों की कौम है इनको खुदा का वास्तव गुमराह ना करो वक्त नहीं है हमारे पास सदियों से जलील हो रहे हैं अलीना मैं बहुत हूं इसी तरह के फैसले चीफ पॉपुलैरिटी के लिए उम्मत को उठाओ क्या स्पत किनसे हमारी हाल क्या है हमारा वो इसराइल के इश्क में मुबतला एक से एक किला ढहरा है वहां यहां हमारी औकात कोई नहीं गुलाम बच्चे पैदा कर रहे हो उनके पैदा होने से पहले तुमने उनके ब्याने पकड़ लिए ये कौन है ये उसकी उम्मत को राम करो अकल इस्तेमाल करो कुरान एक विजडम है कि मुसलमान अपने अहद के साथ हम महंग होता है उसके तकाजों को समझता है अच्छा आपने मौसम की बात सुन ली और मैं लह जाए थोड़ा सा हार्ड शूआ हो तो मैं जो है ना सर्कल कोट कर रहा था क्योंकि अब कभी वर्ड आयदा बनना पड़ता है इस तरह तो को पता ना ऐसे ऐसे बात करो तो आप सोच रहे हो डिफेंसिव हो जाते हैं, जाते हैं डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है अरबी ज़रूरी है ठीक है ना चीन जाओ चीन में भी आपने अगर आप चीन जाओगे ना जब अभी ने कहा कि इल्मी चीन जाओ तो उस चीज़ में जाके कर नमाज पाँच रुपये फ़र्ज है और पाँच पाँच छो नमाज़ों फ़र्ज में आपने फातें ही पढ़नी है कुछ सूरत ही पढ़नी है तो शोर में भी अरबी ही पढ़नी है ठीक है कुरान भी आप जाके तर्जुमे साथ तो पढ़ सकते हो लेकिन वैसे आप कुरान अरबी में ही पढ़ना है आपने चाहे आप चीन चले जाओ थोके चले जाओ युगानी चले जाओले चले जाओ जहाँ चले जा जा जाओ ठीक है एक बात ज़रूरी जो की है वो सारी बात है बात यह है कि गुलाब बना रहे हैं बच्चों को से मैं एग्री करता हूँ ठीक है काफ़ी बातें सही भी है अच्छी बातें भी है बस द के ये जस्ट बिकॉज यू आर क्या कहते हैं क्रिटिस जो कि जैसे क्रिटिसाइज कर रहे हो ठीक है उस मानों को डैट डज नॉट मीन के जो वो वेस्ट है वो हमारे पापा हो गए हैं या मेरी वेस्ट जो है ना अधी पैरवी कंडीशन जाती है इससे मुझे अख्तलाफ है बात यह गुलामी गुलामी यही तो है ये ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या प्रोडक्ट गुलाबी किससे निकली है ठीक है गुलाबी इसी प्रोडक्ट से निकली इसी स्कूल सिस्टम ठीक है जो बाद में एम्प्लॉयमेंट और जो पूरा सिस्टम है पूरा एक्ोसस्टम जो कैपिटलिस्ट आ गया है इसी से तो गुलामी है इसी से दिमाग तो की बत्ती जब डाउन है आई रिस्पेक्ट हसन सार ठीक है ना आई रिस्पेक्ट एवरी वन स्पीकिंग जो है वो इस्लाम के बारे में बात करें गलत ठीक है जो इस्लाम की फिलोसफी टकराएगी क्योंकि फिर वही बात है किबी जस्ट अ लैंग्वेज फॉर इस्लाम स्पेशली ठीक है इस्लाम की रूह और इस्लाम की इल्म की और हिकमत की रूह है अरबी में ठीक है तभी आप चाइना जाओगे चाइना में भी आपकी पाँच आप पर पाँच नमाज़ फ़र्ज होगी चाइना के आप चाँद से ले जाओगे चांद में भी अभी पाँच नमाज फ़र्ज होगी और पाँचों की पाँच छो नमाज़ों में आपने अरबी में ही फातह अरबी में ही सूरत और अरबी में ही तशद में जाना है कुरा को मिला के ऑबली ठीक है बाकी अरबी मेरे कोई ताल्लुक वास्ता था न्यूज़ से ठीक है ना मैंने बस अंकल को अपलाया करना था और वो मैंने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदुल्ला हाँ time, और ऐसे कोई वीडियो लगाया आपको मैं ये चीज़ शुरू कर रहा हूँ थोड़ी सी तगड़ी ऐसे बड़े बड़े देखे हैं कोई भी बुझ चुप के आके ना चाहिए अरबी में रगड़ देता है कुरान में रगड़ है अगर कुरान ना पढ़ो चूंकि तुम पढ़ सकते ये क्या मतलब फिर नेक्स्ट टाइम फिर ऑफिस